आ जाके इसको पकड़ के ला, क्या नाम इसका, पहले इसको बड़ा करना इधर, चलो हाँ बड़ा करो, देखा भाई इसको ऊपर ले, करड़ इसको करड़ ना उसके साथ ले, उधर ले ऊपर ले। पहला क्वेश्चन सबके पास चैप्टर वाइज है क्या, हो गए चैप्टर वाइज के क्वेश्चन हो गए तुम्हारे आईटीएफ के, कुछ बाकी, कुछ बाकी है क्या? बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या था, बिलोंग्स टू आर देखो क्वेश्चन लिखो, हाँ ठीक है लिखेगा तो आएगा, लिखने से पहले लिख रहा हूँ, लिख रहा है बिकर जी को बुला रहा है जा रहा है। अरे क्वेश्चन बटा है पर एसी चालू है क्या, बंद है, बंद कर, बंद कर खिड़की खोल दे, सब बंद करो खिड़की खोल, ए मैडम सर खिड़की खोल ना, पल्लवी खिड़की खोल, बार बारिश आ रहा तुम एसी लगा के बैठे, ए वो खिड़की खोल ना, अनाउंस किया गया जिसको ये कर रहे हैं। तुम्हारा बीएसएफ पूरा हो गया, स्पीड टेस्ट वन स्पीड टेस्ट टू ये करोगे, कहाँ जा रहा, बैठ इधर ही बैठ, दो लोगों को जनरल के लिंक में डालने का, दुबई जसीर और एक आयुष है, उसको ऐड करूंगा, बोलो कैसे करेगा बच्चों लोग, कोई संपदाएं क्या, एबीसी तीन रियल नंबर है, क्वेश्चन लिखा उसने, देखो क्या एबीसी को किया क्या सर ने, कौन से सर ने पैदल है, एक कौन आवाज कर रहा बाहर है मैडम, बगल कौन आवाज चले, बोलो क्या करेंगे, क्या बोला ऑप्शन है, फिल द ब्लैंक्स टाइप है, सिंगेज का क्वेश्चन है, देख रहे भाई क्या तेरे को समझा रहा, जिस दिन हाँ
ए वन बोल रहे तुम और बी भी वन क्या? टैन इनवर्स रूट थ्री आएगा सब क्या? उसके बाद क्या करो? पर ये लोग तो दो पर है, पाई भी आ रहा और उनके हिसाब से जीरो भी आ रहा है। हाँ तो थीटा पाई भी आ रहा, थीटा जीरो भी आ रहा। कौन बात कर रहा यार? क्यों बीजापुर बात कर रहे? बात करे तो टाइम पास करे तुम। मराठी जोग्राफी का ग्रुप ऐड किया, तुर्क भी ऐड करने वाले, उसको भी ऐड करो, इसको लेके जाओ ऊपर, लेके जाओ 11 में अनाउंस करने बोल। दोनों बैच 11 के कितने बैच है? दो बैच है, गमन भी ले रहा बैच। तो बोलो उधर जाके बोल, मराठी जोग्राफी में दूसरा ऐड कर, दो से छह पढ़ाएंगे, 11वीं का और 12वीं का। जीरो क्यों आएगा? जीरो इक्का थोड़ी वाली तीन तीन फंक्शन है ना, एक का माइनस फाइव टू पाए, तीन तीन ऐड कर तो पाया था। सेकंड सम बोलो क्या? सिंगल स्पेल उधर बॉयज बात कर रहे हैं, इधर गर्ल्स बात कर रहे हैं, मेरा दिमाग चल रहा नहीं। तुम लोग बहुत भारी रहेंगे, मेरे को तो दिमाग चलना पड़ेगा ना। तू बैठने का तुमको आदत है नहीं, चबर 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 ज्यादा रहता। सेकंड सम टैन थीटा का वैल्यू फाइव भी आ सकता है, टैन थीटा का पूछा तो टैन थीटा तो टैन पाई ना, टैन पाई का आंसर कितना बच्चे लोग? जीरो हो गया सबका। सेकंड सम कॉपी किया सब लोग ने, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टैन, मेरे को लगता है पी वाई क्यू है, प्रीवियस ईयर में भी आया था, टू टैन इनवर्स वन बाय फाइव माइनस फाइव इक्वल टू डैश। सुमित करो ऑप्शन नहीं है बाबा, सिंगल्स के सम से किया था तुमने? मैंने किया था, किससे किया था? कौन करेगा बोर्ड पे? मैनेश्वरी कर, क्या करना चाहिए तुमने इसको? जितिन किधर जा? जितिन टू टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या करना? जानेश्वरी जल्दी से पता जा रहा है उसको, घनश्याम को पता कितना था वैल्यू उसका? फोर बाय
4 को tan इनवर्स 1 लिख सकते क्या? बोलना फॉर्मूला बोलना tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस x इतने लोग आए हैं चल अच्छा हम कॉपी कर बता रहे हैं ये पीवाई क्यों है क्या हो गया तेरा हो गया अभी थोड़ा सा इधर 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 कितने लोग आए समय पहले किसने किया था किया पिंकी सर ने किया था क्या हाँ पिंकी सर ने करवाया थे पीवाई क्यों पीवाई क्यों था 2014 हो गया सबका लिख के हो गया क्या नहीं सर लिखता तो लिखा तो आएगा भाई मैथ्स को भी देखा तो आएगा ही नहीं इसे आपने क्रैश कोर्स से पहले आईडी कौन जगह तुम्हारे सर ट्वेल्थ को स्क्रीनशॉट लेगा तुम उसपे स्क्रीनशॉट लेना तो लेक्चर ज्वाइन किया नेट नहीं मोबाइल नहीं हाँ मोबाइल किधर है लेक्चर ज्वाइन कर मोबाइल देख कुछ है ही नहीं जरा तुमको सब आइटम में मंगता कैसे मिलेगा आइटम में सब जो तो लेक्चर ज्वाइन कर रहा स्क्रीनशॉट लेकर रखा बाद में भी पढ़ सकता तुम्हारे स्पेस में दुनिया नहीं चलने वाली उसको नहीं पढ़ा सबको पढ़ रहा वो मोबाइल ज्वाइन ही नहीं किया उसको लेक्चर में मालूम ही नहीं क्या चल रहा सुबह 6 बजे लेक्चर को आया नहीं कैसे क्या उसको आईडी समझ नहीं आ रहा 2 दिन फिर बाद में वो बम मारते पड़ेगा मेरा हो गया नहीं करके वो रात को 3 बजे तक जॉगर भी पड़ेगा हो गया 8 से 10 अगरा तक इंडस्ट्री लेंगे 10:30 से 1:30 बजे तक मैं लूंगा दोपहर में बाय होगा 2 से 5 अदिति मैम सुबह केमिस्ट्री उसके बाद 8 से 10 केमिस्ट्री 10:30 से 1:30 फिजिक्स और 2 से 5 बायो उसके बाद नहीं उसके बाद पेपर सॉल्व पे मॉक टेस्ट दे देंगे और सॉल्व करते रहेंगे बच्चे लोग बोले सर स्टडी का टाइम पूरा टाइम बच्चों से बात किया हाँ बच्चों को नीचे बुलाया पंपलेट वाला बोलना और ग्रुप में डालो नाम के साथ सब बच्चों से लिखवाओ वहाँ के सर लिखने नहीं लिखने का आदत है कितने बच्चे अभी इसके पास कौन से बच्चे नहीं अभी अलग अलग बेसिक बैच अलग किया मिताली मैम के पास बैच 1 और 1 2 उसके बाद भी कर दिए अभी कई बच्चे निकल गए 740 वाले क्या करा तू लिया स्क्रीनशॉट लिया क्या इतना देर रुक नहीं सकते भाई हमारा क्रैश कोर्स है ना भाई द ग्रेट ए टू टैन इनवर्स ए दिया 2 टैन इनवर्स क्या रिपोर्ट जरा 2√2 - 1 ना बी दिया 3 sin inverse 1/3 + sin inverse 3 sin inverse 1/3 find the greater of the two angle क्या ऐसा सट्टा दे सकते हो a greater than b b greater than a b greater than a b equal to a और क्या दे सकते हो मोटा बोलो कैसे करेंगे उससे समझा गया
ये ए दिया लाइक एंगल है टू टैन इनवर्स टू रूट टू माइनस वन और बी का वैल्यू दिया थ्री टाइम्स साइन इनवर्स वन बाय थ्री प्लस साइन इनवर्स थ्री बाय फोर. वो पूछ रहा है ये एक एंगल और ये एक एंगल है विच एंगल इज ग्रेटर. ए बी से बड़ा है क्या एंगल 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 बी बड़ा ए से या दोनों इक्वल है. कुछ भी लगाओ बताओ मेरे को आंसर क्या. बोलो कौन बताएगा. मैं करूं क्या एक मिनट तो दिया तुम्हारे को. बोलो क्यों जितने लोग थ्री साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला मालूम है क्या. टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कितने लोग मालूम है. और बस बराबर है और इसका वैल्यू करो ना. थ्री एक्स फोर एक्स क्यूब प्लस साइन इनवर्स थ्री बाय फाइव. तो बी का वैल्यू कितना है बोलो ना. बी का वैल्यू बी का वैल्यू कितना है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का वैल्यू क्या है. एक्स हंड्रेड रूट वन माइनस वाई स्क्वायर ना वाई हंड्रेड बराबर ना. क्या घूम रहे हाँ बोलो क्या करें. वो बहुत बड़ा होएगा. 23/27 का वैल्यू कितना था. ट्वेंटी थ्री बाई ट्वेंटी सेवन का वैल्यू कितना था. जीरो पॉइंट एट फाइव
बोलो जोर से बोलो, पक्का? और ये कितना था? अभी इधर देखो बच्चों लोग, साइंस 60 का कितना था? साइंस 60 रुक्त्री का कितना रहता? अपॉन टू अप्रोक्सीमेटली क्या वैल्यू होता? हाँ बोलो, तो उन्होंने क्या बोला उनके बी का जो वैल्यू है ना 0.866 के आसपास है ना ये, अरे हाँ क्या नहीं, उन्होंने उसको वो वैल्यू पकड़ा, बी हैज टू बी लेस देन, बोलो बी हैज टू बी लेस देन, इससे छोटा रहेगा ना ये भी, इसको भी रूट थ्री बाई टू पर, और इसको भी अप्रोक्सीमेटली रूट थ्री बाई टू पर, बी इज लेस देन 60 प्लस 60 कितना हो गया? लेस देन क्या हो गया? अप्रोक्स सट्टा, सबके समझ रहा ना? अभी एक का बोलो, एक का बोलो, फॉर्मूला बोलो ना, बोलो जति टू टैन इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या रहता है? साइन का लो फॉर्मूला, ये लोग तो बोलो डायरेक्ट वैल्यू लो, डायरेक्ट वैल्यू ले तो और अच्छा रहेगा, वो लोग वो क्या बोल रहे हैं, इतना सब करने से अच्छा ना टू टाइम्स लिखो, मुझे सब बहुत अच्छा लगा, टू इंटू रूट टू का वैल्यू कितना है 1.414 माइनस वन, बराबर ना? टू टाइम्स टैन इनवर्स 2 पॉइंट क्या बोलो ना, अप्रोक्सीमेटली 1.73 के आसपास है ना, अरे रुत्री का वैल्यू 1.73, तो अप्रोक्सीमेटली इज ग्रेटर देन अप्रोक्सीमेटली क्या बोला, टैन इनवर्स रूट थ्री, मानते क्या नहीं, ए हैज टू बी ग्रेटर देन टैन इनवर्स रूट थ्री, मतलब कितना डिग्री है? 5/3 ना, ए इज ग्रेटर देन 120, ए इज ग्रेटर देन 120, और यहां क्या हो रहा, बी इज लेस देन 120, व्हाट इज द आंसर? सिंगेज का समय थोड़ा टफ है, लेकिन समझ में आया क्या? इसमें तुमको बहुत सारे सट्टे समझ में, बहुत सारे सट्टे समझा कि नहीं समझा? कॉपी करो, नेक्स्ट टाइम बोलो क्या, जितने लोग कॉपी करेंगे हो गया, कॉपी करके बताओ, तेरा चांस को जब चिकोट करने वाला वो भी ऐसे करने वाला, शाम को 7:30 बजे है ना,40 सर भी जाएंगे। नमाज पढ़ते हो? बोलो नमाज में से पढ़ते नहीं हो, पढ़ते तो पढ़ो नहीं तो आ जाओ, बोलो ए जरा घनश्याम इसको स्टूडियो का चाबी लेके बोलो नमाज पढ़ने, स्टूडियो का चाबी लाओ बोलना मेरे को नमाज पढ़ने।
काय तुम्हारे लोग क्या हो गया? कितने लोग समझ में आया? तमन्ना कॉपी किया तूने? हाँ तमन्ना है ना तू? मैंने कॉपी उतारा तुझसे। कितने लोगों ने उतारा? कोई सट्टा नहीं, मैं खुद देख के गया। मैं सिंगेज से देख रहा था कि कुछ सट्टे मिलेंगे। ये जो अप्रोच मेरे को भी नहीं मालूम था, कुछ हाई लेवल नहीं है। एक अप्रोच था जो मेरे को, मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा भी हो सकता। आ सकता 100% आ सकता। कोई समझा तो अच्छा भाई, पता चला तुम बताएंगे। हार्ड क्या क्या तुम्हारे को हार्ड लगा क्या? बहुत लंबा लगा। देखो ये याद रखो, देखो मेरे को एक अप्रोच समझा, मैंने भी उसको सीखा। क्या सीखा मैं वो बता दूंगा। देखो नॉर्मली हमारा ट्रेंड क्या रहता, संबोधि जी था ए बड़ा के बी बड़ा। भैया थ्री साइन में उसको स्प्लिट क्यों किया तो आदर्श मगर कर सकते रस में। सर ये सब में कोई सट्टा क्या? देखो जरा क्वेश्चन देखो बोर्ड पे सर जलेबी खाने से मैट्स आता है क्या? तो मेरे को भी बोलो, मैं भी खाना चल रहा। ए सुनो सुनो रहा सर, ये समय देखो ये क्या क्या मैं बता दूं। थ्री साइन इनवर्स 1/3 है ना, उसको देखिए फॉर्मूला है। साइन इनवर्स 3 sin 3θ का, साइन 3θ का फॉर्मूला क्या बोलो? 3 sin 3θ माइनस 4 sin 4. इसको सिंपलीफाई किया बराबर है। साइन 3/5 तो अपना पाइथागोरस का ट्रिपलेट है, तो मैं उसमें सोच रहा था कुछ करेंगे, ये फॉर्मूला भरेंगे, ये जो फॉर्मूला है ना ये फॉर्मूला भरेंगे। तो लेकिन मेरे दिमाग में ये फॉर्मूला भरा तो बहुत बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि 3/5 पाइथागोरस के ट्रिपलेट में बड़ा होगा ना ये। सर अभी एक चीज बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं इसको टैन में भी कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? और साइन 23/27 भी टैन में कर सकते हैं। लेकिन मैंने जब 23/27 आया ना, मैं तुमको झूठ नहीं बोलेगा, 23/27 आया तो मुझे समझ में आया कि पाइथागोरस का ट्रिपलेट नहीं है, तो फंस गया। तो मैं फिर पीछे सॉल्यूशन देगा, सॉल्यूशन देख के मेरे को समझ में आया उन्होंने क्या किया कि 23/27 को क्या किया बोलो ना, डिवाइड करके लिखा। और 3/5 को क्या लिखा उन्होंने? 0.6। और उनका यह बोलना है कि √3/2 मतलब कितना रहता है? √3/2 मतलब 560। लेकिन √3/2 का कैलकुलेशन देखो ना, √3 का वैल्यू कितना रहता है? 86% होता है। कितना होता है? बस ताली बजाओ कैफ सर को, ताली बजाओ। मैंने एक डायलॉग बोला √3 मतलब 86%। बोलो अभी सर, मैं √2 का 70% याद रखो और √3/2 86% याद रखो यार, इतना बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है वो। √3 मतलब 86% मार्क्स √3/2 और 1/√2 √2 मतलब कितना? 70%। हाउ मच परसेंटेज यू गॉट इन 12 1/√2? हाउ मच परसेंटेज डू यू गेट इन 10 √3/2? मेरा एक दोस्त है वो बोला कितने मिनट में आएगा? √25 × 10⁻¹⁹ में आएगा। मेरे को क्या लगा कोई बिल्डिंग का नाम बोल रहा, फिर मेरे दिमाग में √25 मतलब 5। समझ में आ गया? पीछे मार रहा था मैं, लेकिन ये सट्टा है। ये क्या बोलो ना, सट्टा है। तो ये 0.85 को सर के हिसाब से 86 के अप्रोक्सीमेट है ना, तो उसको √3/2 पकड़ा। और 0.6 को भी √3/2 पकड़ा सर, क्यों ऐसा चलता? ये 0.6 को भी
उत्तरी बेटो पकड़ा, ज्यादा करके लिया उन्होंने, ज्यादा करके लिया, इसलिए इक्वल टू का ग्रेटर लगाया। समझा कि सबको इक्वल टू को क्या लगाया, बोलो ना, ग्रेटर लगाया। तो ये रूट थ्री बाय टू दो बार आया। ए नमाज के लिए मुसल्ला भी था ना, जरा खोलना इसको। रूट थ्री बाय टू कितने बार आया, दो बार। तो दो बार रूट थ्री बाय टू आया, तो ये कितना आया 60, ये कितना आया 60। तो बी इज लेस देन 120। बी क्या आया बोलो ना, तो बी निकाल के, बी का सॉल्व किया, क्या सॉल्व किया, अब ए का ये था वैल्यू। तो ये के वैल्यू में सबको मैं देखो हमेशा लिख के देता, तुमको याद है रूट वन रूट टू रूट थ्री, कितने लोगों ने लिखा रहेगा, जब भी मैं पढ़ा तो लिख के देता, रूट टेन तक लिख के देता, लिख के देता कि नहीं लिखता। तो रूट टू का वैल्यू कितना, रूट टू का वैल्यू 1.7 1.4, मल्टीप्लाई किया 2.828 में तो बन गया 1.828। सर इसके बारे में आप क्या बोलेंगे, 1.828 क्या परसेंटेज है, 1.828 उन्होंने क्या बोला, वो देखो यहाँ इक्वल टू है 1.828, उन्होंने 1.73 के अप्रोक्सीमेटली, किसके अप्रोक्सीमेटली लिया, जोर से बोलो, रूट थ्री का वैल्यू 1.73। तो उन्होंने ग्रेटर देन टू टाइन इनवर्स रूट थ्री पकड़ा। अभी रूट थ्री का वैल्यू कितना रहता, रूट थ्री का वैल्यू 5/3, मतलब ए का वैल्यू तुम्हारे 120 से बड़ा होगा। तो इधर एक ए का वैल्यू 120 से बड़ा आया और इधर बी का वैल्यू 120। तो ये आंसर राइट है। कितने लोगों को समझ में आया, एक 0.6 है ना बच्चा, 0.6 तो रूट थ्री बाय टू से कम है ना, तो यहाँ पे इक्वल टू था, तो अभी कम है तो पलटा इस तरफ भारी हो गया ना, तो उसके लिए इस तरफ भारी। और यहाँ पे इस तरफ क्यों गया, इस तरफ क्योंकि 1.828 जो है वो 1.73 से ज्यादा है ना। ये देख मेरे पास, साइन जीरो क्या रहता, एक मिनट पहले उसका कंसेप्ट क्लियर करता, साइन जीरो क्या रहता और साइन 90 क्या रहता, 1। तो जितना साइन का वैल्यू बढ़ते जाएगा ना, वैल्यू भी बढ़ते जाएगा, तो उसके लिए वैसा कंसेप्ट। और टैन उसकी बहन है, टैन आ जाएगा, टैन आ जाएगा, क्या आ जाए, साइन ही आ जाए इधर भी, तो कम होगा, कम होगा तो वैल्यू कम होगी। हाँ बोलो सर, ट्रिपलेट 3, 4, 5 है ना, तो टैन को 4/3 होता है तो 53 डिग्री होता है, कितना था, फिजिक्स नहीं पढ़ा है, कितना होता 4/3 का 53 डिग्री, समझ में आया। और 3/4 होता तो 37 डिग्री, कितना 45 से कम ना है ना, दूसरे का निकला कितना 60 से थोड़ा कम ना, राइट, ऐड किया कितना हुआ 90 से पार कर दिए, तो 90 से पार करके मैंने क्या लिया, इक्वलिटी था ना, पार कर दिया, इसीलिए उन्होंने लिया कि बी की वैल्यू बढ़ा के लिया, तो बी की वैल्यू कम हो गया ना, किससे 2π/3 से, बस सिंपल सी बात है। ओके नहीं सर, नहीं समझ में बच्चों के नहीं यार, कितने लोग समझ में आया, झूठ बोले कौवा काटे। फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट है क्या, 37 डिग्री 53 डिग्री है ना, 4/3 3/4 5 ट्रिपलेट है, यहाँ 3/5 है, टैन यहाँ कितना आएगा 3/4 आएगा ना, एक से कम 37 डिग्री, कितने 37 डिग्री है ना, राइट। अब पहले वाला कितना निकला 1.85 के पास ना, 86 के पास गया, राइट, 5/3 आया, 60 डिग्री + 30 डिग्री, कितना 90 से ज्यादा ना, 90 ज्यादा हुआ तो 120 और ज्यादा हुआ ना, इसलिए बी को क्या लिया, लेस देन 120, समझ आया, दिक्कत है, कोई दिक्कत, दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है। भाई साहब क्या नहीं भारी मानस है, लेकिन सड़क नहीं बोल गया, इसका अपोजिट में कौन बात कर रहा, टाइम 37 कितना लो, 3/4 क्यों, एक से कम है, 45 भी वाला 0.75 ना, 10.45 वन है, अभी और क्या बोल रहा हूँ, 10.53 अभी इसका हो गया 27 डिग्री,
एक का निकाला आपने पॉइंटेड आया टेन फिफ्टी थ्री के चलो नहीं 53 नहीं इसके ये 37 निकल गया मतलब ये एंगल निकल गए ये वाले साइन 3/5 37 निकल गया और ये वाला निकाला तो 60 के पास ये वाला हाँ ये वाला 60 पास है ना ये 30 ऐड किया तो 90 से ज्यादा हो गया 90 से ज्यादा उन्होंने एक ऐसा एंगल लिया जिसका वैल्यू मालूम 120 लिया उन्होंने वो जो तो इसकी वैल्यू 60 से थोड़ा कम आए इसकी वैल्यू ए कहां से पकड़ के लाया यार कचरा माल है यार नहीं पढ़े तो जाने उठ के चले भी आते नहीं कौन बाधा कर रहा अभी इसकी वैल्यू अप्रोक्स 58 डिग्री आएगी कंटिन्यूस को तो बात कर रहा यार कौन बात कर रहा कि अप्रोक्स 58 डिग्री आएगी फिर कोई बात कर रहा एक तो सर बात करे फिर तुम पढ़ाओगे अभी कौन बात कर रहा उधर पीछे बात करो इसका आप क्या बोल रहे साइन इनवर्स 1/3 को सिंपलीफाई करेंगे हाँ इसको सिंपलीफाई किया 3x माइनस 4x क्यूब और साइन इनवर्स 3/5 37 डिग्री 37 साइन 37 लिखो नहीं 37 एंगल डायरेक्ट दे दें और यहाँ पे आपका वैल्यू आया 3 × 1/3 माइनस कितना है बच्चों इसको सिंपलीफाई किया तुमने अप्रोक्सीमेटली क्या था 0.86 पे 60 डिग्री साइन इंक्रीजिंग है क्या 0.86 था क्या 0.85 पे कम था 58 डिग्री कितने 58 ले ले जा सकते राइट तो 58 प्लस 37 कितना हुआ 90 90 से ज्यादा ना क्या लो उसको 60 डिग्री लो क्या 58 ले क्या ले गया 37 डिग्री ऐड कर साइन इंक्रीजिंग है ना बच्चे लोग तो अभी साइन इंक्रीजिंग है तो 0.8 एग्जैक्टली है ना एग्जैक्ट 23/27 कितना वैल्यू है 0.852 है ना और ये 0.86 है ना तो 60 को 0.86 है ना तो 60 से थोड़ा कम है करके 58 लिया अप्रोक्सीमेटली समझा करें समझा ये वैल्यू कितना आया 95 अब एक निकल लेंगे सर को कितने लोग सर का आइडिया समझा तो उसका तो तुम्हारा बीज जो है वो क्या आएगा 120 से लेस है ना क्योंकि 95 मतलब नियरेस्ट एंगल 120 के आसपास है क्या बताऊं सर सरानी का क्या है 3 sin inverse x की वैल्यू है ना इधर सेम है तो फार्मूला तुला माहिती है ना क्या फार्मूला sin inverse का सांगा ना 3x minus 4x उसमें वैल्यू डाल के निकाला ये 3 sin inverse 1/3 को ईमानदारी से सॉल्व किया sin 3θ वाला फार्मूला से सॉल्व किया तो कितना आया 0.852 कुछ आया 0.852 0.86 से कम है ना 0.86 रहता तो 60 डिग्री मैं बोला ना तुमको sin 0 क्या रहता 0 रहता और sin 90 क्या रहता 1 sin इंक्रीजिंग फंक्शन है ना तो sin 30 का वैल्यू कितना रहता 0.5 और sin 45 का वैल्यू कितना रहता सर ने बोला ना 1/√2 मतलब 70% बराबर है ना साइन 60 मतलब कितना परसेंट हो गया 86% और साइन 90 मतलब 1 हो गया ना तो साइन 60 को 86% मांगता ना यहाँ तुम्हारे 85 मार्क्स थे कितना मार्क है तो उसने 58 पकड़ा सर ने सबके समझ में आ गया 60 तो थोड़ा कम है ना और ये सर ने इसको आइडिया बताया ये सट्टा बताया सर ने क्या सट्टा बताया एक ट्राइंगल ड्रॉ करो जिसमें ये एंगल कभी 37 रहेगा और ये एंगल कितना रहेगा 53 और 3, 4, 5 का ट्रिपलेट है तो tan 37 मतलब 0.75 tan 45 1 और tan 53 मतलब 0.8 तो यहाँ पे sin ये तुम्हारा जो वैल्यू आया sin inverse 3/5 sin inverse 3/5 मतलब 37 डिग्री सबके समझ में आया कि नहीं
37 और 58 मिला कितना हो गया 95, इक्वल टू 95, छोड़ दो ये सब छोड़ दो, ये नहीं लिखा तो चलेगा, सबको समझ में आया कि क्या बोला। अच्छा अभी दूसरा पार्ट क्या था, दूसरा पार्ट बराबर क्या, तो हमने क्या किया, 2 लिखा, 0.88 आया ना, ये देखो रूट 2 का वैल्यू कितना है, रूट 2 का वैल्यू 1.4 है ना, तो 2 into 1.4 माइनस 1 0.88 आया, रूट 3 का हुआ था ये 2.8 में से 1 गया ना, तो 2 टाइम्स tan इनवर्स कितना आया 1.8 को क्या करना चाहिए बच्चों लोग, approximately 1√3 ना, रूट थ्री का वैल्यू कितना रहता है 1.7 है ना, tan इनवर्स 1.7 से लेगा ना approximately, ज्यादा है कि कम है, थोड़ा तो कम है ना, ये इधर क्या लिखेगा 1.7 को क्या लिखेगा, बोलो ना, बोलो यार, और tan इनवर्स √3 का वैल्यू कितना रहता, तो 2π/3 से बड़ा मतलब 120 से बड़ा हो गया ना, एंगल ए मैंने प्रूव किया 120 से बड़ा और एंगल बी 95 से छोटा, तो कौन किससे बड़ा रहेगा, ए बड़ा रहेगा। ये सट्टा लिख के लो, कितने लोगों को ये सट्टा समझ में आया, अरे सट्टा समझ में आया कि नहीं, तो क्या करा इसको छोड़ दो सर, गलती किया उसको, बोला फीस देके जाओ ऑफिस, फीस ऑफिस दे देंगे उसको, बुला ऊपर, बुला ऊपर, रूम मत बुला, इजाज बुलाएं, बैठ दो सर, इधर ये मेरा ये माइक है, माइक और बुक दोनों ले लो, माइक भी लेगा बुक भी लेगा, ये सब समझाते बैठे थे, खुद भी कर दो सर, उसका क्या करना है, नेक्स्ट साउंड लिखो क्या, अभी क्या तुम लोग, कितने लोगों ने कॉपी किया, कौन बातें कर रहा है उधर, देखो मैंने एक चीज देखा है, जो पहले जेई, पहले जो क्वेश्चन एडवांस में आया वो जेई मेन में आया, और जो जेई मेन में आया वो एनडीए में आया, वो क्वेश्चन है, समझ में आया, तुम ये सोच रहे हो कि सर जेई का पढ़ा रहे हैं तुम्हारा काम का नहीं है, तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, नहीं सर मैं तो एनडीए का पढ़ा रहा हूँ नहीं नहीं सबको क्या होता था, मैं इंडिया का पढ़ा रहा हूँ, मैं तो बताता, मैं सम ढूंढता, मैं बहुत दूसरा, मैं पीछे क्या देख रहा हूँ तुमको वही बताता, मैं क्या देखता, पहला सोल्यूशन देखता, क्या देखता, फिर क्वेश्चन देखता, फिर देखता ये इंडिया के लायकी का है क्या, तो करता, कितने लोगों को समझा मैं क्या बोला, मैं शाइनिंग नहीं करता, पीछे देखता आंसर क्या देखता, क्वेश्चन देखता, फिर देखता हाँ ये अपना ट्रेंड क्या बोला मैंने तुम्हारे को, देखो पीवाई को याद है, देखो कि एग्जाम में क्या है, तो मेरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उसके जैसा सम मिला तो देता, फॉर एग्जांपल देखो मेरे को उसके जैसा एक सम मिला, कौन सा सम मिला देखो मैं बता के देता, नंबर ऑफ क्या बोला ना पॉजिटिव, नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशंस सैटिस्फाइंग, एक बात कभी भी याद रखो, मैं कभी जेडब्ल्यू का सम नहीं करेगा, अब नहीं पढ़ा मैं, मेरा मेरा धंधा का एक है भाई एनडीए का, मैं एनडीए से पढ़ बोल रहा हूँ, मैं कभी जेडब्ल्यू नहीं पढ़ा, करो दोस्तों नमाज पढ़ गया, पेज बंद करो, अभी असल में ये सब में क्या कुछ भी नहीं, फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक है, फॉर्मूला और क्या बोलो ना,
एक मिनट दो सर करके देखो आप और भी करो सर को बोल और भी करो सर को बोल दो आवाज बंद करे शांति से भाई कहा जाए बैक ले हाँ अभी एक एक करे बाकी आ रही है एक पे एक पे एक पे आ एक पे वन बैक ले सन हाँ क्या करो हाँ अब बैठो अरे बैक होना शांति से टाइम लगता है देखते देखते टाइम लगता है देखता हाँ हाँ जा आज से कितने ने बनाया देखना कौन सा ऑयल हिट किया गया समझा तो हीटेंट ट्रायल करेगा ऑप्शन ही नहीं दिया जिसको तुम चट्टा सर ऑप्शन ही नहीं दे हीटेंट ट्रायल में जरूरी है ऑप्शन दिया जाए हार भी आ सकता क्या बोलो अगर स्ट्रेट सॉल्व कर जा जाए तो पार्ट में सॉल्व कर ज्यादा आसान हो जाएगा चार Thank
माइक ला चढ़ा लेते हैं मैं मल्टीप्लिकेशन जल्दी बता कितना आएगा और नीचे दोनों का एडिशन 6 है 6 प्लस 2 राइट ना यहाँ पे 4 2 8 x स्क्वायर अच्छा कुछ एक्स राइट प्लस वन लेकिन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा तो कॉर्ड कम गया तो खत्म हो गया समझ में आ गया कॉर्ड कम करो ना बहुत सारे कॉर्ड इनको नहीं समझ में आया नीचे 4x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 ऐड किया तो 6x 1 प्लस 1 2 समझ आया आपको शायद मालूम फार्मूला क्वार्ट इनवर्स a प्लस क्वार्ट इनवर्स b का लिख लीजिए नहीं आ रहे तो va माइनस 1 अपॉन b प्लस a ओके यस सर कौन बात कर रहा है कौन बात कर रहा है कैलकुलेशन कम कर सकते हैं आप माइंड में करके देख लिए कि कैलकुलेशन आप पास हो गया क्वार्ट कम करके हट गया राइट ना क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया 16x स्क्वायर इसे यहां पे x ले लिया मैंने और आसानी के लिए और दो भी कॉमन ले लिए 2x 4x प्लस 3 और यहां से 2 कॉमन लिया 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करेंगे क्या करेंगे और आंसर लूज करेंगे क्या गलती करेंगे सोचेंगे एक एक्स से कट गया नहीं काट सकते क्यों नहीं काट सकते मालूम है जब तक के किसी वेरिएबल का स्टेटस पता नहीं हो कि वो नॉन जीरो है क्या है तब तक कैंसिल नहीं कर सकते अगर उसमें 2 in 1 है मे बी जीरो मे नॉट बी जीरो तो आप कैंसिल नहीं कर सकते उसको वन साइड लाके कॉमन लेते कहते हैं यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस होगा कि नहीं होगा बोलो ना आना जीरो और बाद में आगे आईटीएफ करने का समझ आया पहले 10 बजे रिंकू मैम भी आ गए आज रात को 10 से 11 रिंकू मैम का लेक्चर है शादी रिक्शा को नहीं हो तो उसको डिस्चार्ज कर दो राइट ना अपना जीरो काम हो गया आपका नॉन जीरो को फोन लगा 10 बजे आ रहे कुछ एक स्मार्ट कॉल 9 बजे आ रहे 10 बजे आप मुझे स्टेटस पता है क्या 9 बजे बोला उसको 9 बजे अब मैं कैंसिल कर दूंगा राइट यस सर अच्छा तो कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस 6 यहां पे 3x स्क्वायर प्लस 6 बोल आना 3x स्क्वायर ऑफलाइन इसको सॉल्व कर फास्ट 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल 0 सॉल्व कर हां 9 टू का पॉजिटिव है रूट 980 टोटल पॉजिटिव रूट बोले हैं माइनस 9 और 1 ही होगी तो नल है ना अरे पॉजिटिव तो नहीं आया नहीं न्यूट्रल है क्या है न्यूट्रल इसमें से कितना होंगे एक पॉजिटिव नहीं और उसका रूट अगर रियल आता है तो एक आता है पॉजिटिव एक आता है समझ में आ रहा क्या
मुझे रूट की वैल्यू से मतलब नहीं है। ये रूट क्या हुआ? न्यूट्रल हुआ ना, जीरो पॉइंट है ना। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव निकला है, चले जाए, क्यों जाएंगे टाइम वेस्ट करने? नहीं समझ में आ रहा है? आप सब था कि हीट एंड ट्रायल एडवांस का क्वेश्चन था, तो आप तुम्हें यहाँ ही पूछा जा सकता है। हीट एंड ट्रायल से कर तुम्हें एक एक वैल्यू मिलने वाला था, इक्वल जीरो, क्या मिला था? बाकी वैल्यू मिलने वाला नहीं था। क्या बोलते नो पॉजिटिव वैल्यू, क्या बोलते No positive. अरे हीट एंड क्या होते नो पॉजिटिव, लेकिन एक्चुअल में क्या है? एक पॉजिटिव वैल्यू है ना, समझ आ गई ना? आप नोट कर पास जब कर कैलकुलेशन दिखेगी कॉट में आंसर तो कॉट में करो, जब कभी टाइम दिखेगा तो टाइम में करो। फॉर्मूला दोनों क्या है? फॉर्मूला अरे भाई तू पूरा मार ले, तेरा लेन ज्यादा है। कितने को समझ में आ चुका? कितने को समझ में आ? ये तो समझ आ गया, ये समझ आ रहा है? मैंने पूछा कितने को समझ में आया था, हाथ कैंड होगा। फिर से पूछ रहा है कितने को समझ में आ चुका? सर अरे सर पॉजिटिव नेगेटिव फिर से समझाने जा रहे। टाइम में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन क्या है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन बोला गया कि इसमें कितने वैल्यू एक्स के पॉजिटिव होंगे जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। समझ में आया? बोल समझ में आया कि नहीं आया? आया आज तक समझ में आया? सबको समझ में आया? मैंने देखा कि टाइम का डाइट कराएंगे टाइम वेस्ट होगा, टाइम लगेगा ना, तो मैंने डाइट पार्ट में चेंज कर दिया, राइट? यस सर। इसको पार्ट में, इसको पार्ट में, इसको पार्ट में, ओके? और पार्ट ए प्लस बी का फॉर्मूला भी लिखा था। उस फॉर्मूला डाइट कैलकुलेट किए इधर कॉट इनवर्स था, कॉट इनवर्स कंपेयर हो गया, कॉट इनवर्स खत्म हो गया है ना। यहाँ से एक्स एक्स कॉमन आया और टू भी कॉमन आया, नीचे से टू कॉमन आया। मैंने बोला x इक्वल टू जीरो रखे देख लेते पहले क्या इक्वेशन बैलेंस होता है, वो सॉल्यूशन होता है, नहीं होता तो नहीं होता। x इक्वल टू जीरो लिया इक्वेशन बैलेंस होगा, होगा राइट? ओके, इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू जीरो सॉल्यूशन है, लेकिन मेरे लिए वैलिड सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे पॉजिटिव सॉल्यूशन क्या लेने हैं? समझ में आया? अब सर cot inverse a plus cot inverse b का फॉर्मूला बोलो ना। cot inverse ba ba minus 1 upon b plus कितने को मान लो भैया? ये 2 x not equal to 0 कैंसिल किया 8x को, अब क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक से बना। मैंने क्वाड्रेटिक का सिंपल सा लॉजिक बताया कि b c हैव सेम साइन, I have opposite to B and C, then one would be the positive, one would be the समझ आया? तो मतलब एक रूट हुआ जीरो न्यूट्रल, एक रूट पॉजिटिव, एक रूट कितने रूट पॉजिटिव देने हैं? एक ही आना ना, वन रूट इज दैट इज वन पॉजिटिव सॉल्यूशन। समझ में आया? अभी तक नहीं समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? थैंक यू सर। राइट है सर, अपना आपने जो बताया कुछ करा ना, मैं सीख रहा हूँ सर थोड़ा थोड़ा आपसे। नहीं सर आप सीख लीजिए। 8x स्क्वायर प्लस 6x ए x कॉमन निकालो, ऊपर से 2x कॉमन निकालो तो बचा क्या बैकअप?
नीचे क्या है सर, आपके बच्चे को पढ़ा उसको, भाग जाएगा, पुलिस वाला का बच्चा है, कंप्लेन करेगा, आपको जेल में जाना पड़ेगा, कंप्लेन करेंगे। ए, क्या कुछ बोला जाओ, कंप्लेन करेंगे। कहा जा रहा है, इधर आए, बुद्धि का समझी का फिर जा। स्प्लिट कर दे, एक कितने को समाया, हर वो समझो मारामारी वाला है, क्वाड्रेटिक भी है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी एग्जाम में आता, एक्स इक्वल थ्री आया और पॉजिटिव सॉल्यूशन पूछा था, कितने पॉजिटिव सॉल्यूशन, एक, कितने लोगों ने कॉपी किया, सॉल्व किया गया, आराम से कर पाली घर को जाने का, जिनको मैथ्स करना है आईटी ऊपर आओ, जिनको डेरिवेटिव्स किसी का डेरिवेटिव्स में होगा तो नीचे, डेरिवेटिव्स चेक सर डेरिवेटिव्स सिखाएंगे, जिनको आईटीएफ करना है सबको ऊपर हो। सर तुम्हारा जिलेबी का ठंडा हो रहा है, देख भाई बातचीत नहीं चाहिए, बातचीत नहीं चाहिए प्लीज, मैं ना दिमाग लगा रहा सट्टे का, तुम बातचीत करें ना मेरा दिमाग नहीं चलेगा, बोलो तो टाइम पास करा, पीछे पीछे आ गया, पीछे जो बटन आ गया मैं मारेगा, बस तुम्हें मार खाएगा, मेरे को तुम्हारे साथ टाइम पास करेगा ना तो पियर्सन करेगा, एमएफएन करेगा, मंजूर देकर चुप बैठेगा, सारे सब हमको लर्न है, तुमको अगर कुछ नया सीखना है चुप बैठो तो फायदा रहेगा, अभी कितना भारी समझा, भारी समझा कि नहीं ऐसा, और एक समझू क्या, कॉपी किया सब लोगों ने, स्क्रीनशॉट लिया गया सबने इसका, तोड़ 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 तोड़ा कुर्सी, पैसे अगर पैसे ने भरा ना एनडीए फेल तो मेरा कुर्सी तो 700 रुपए भर दे एनडीए पास हो जाएंगे, कुर्सी थोड़ी ना भर रहे तो फेल है, देख सोच ले तू, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं नहीं होते थे जितना थोड़ा उतना बस, मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, कॉट ऑफ साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ टैन इनवर्स एक्स रूट एक्स, बोलो ऐसा बच्चे भाग गए, बाकी कितने लोग भाग गए, भाग रहे थे भागा, अच्छा आपने बैठने को ऐसा जगह भी नहीं,
क्या करें बताओ, क्या करना? बाहर सोच रहा है, अंदर आओगे? बाहर क्या सोच रहा है तू? किधर है? ऊपर जा रहा हूँ। भाग गया ये क्या? क्या नाम उसका? साई प्रसाद। बुला उसको प्रसाद, प्रसाद को बुला, प्रसाद को। ए अभी फिर चलो तुम्हारा। ए कबूतर, कबूतर जा जा जा, काय को पकड़ रहा? उसके बाजू क्या बैठ रहा? बाजू बैठ, इधर एक कॉट है। साइन इनवर्स को क्या करना? और कन्वर्ट करना पड़े ये तुम्हारा साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को। मैं चिट्टा पकड़ रहा। क्या पकड़ रहा? कुछ सोच रहा तो अंदर जा रहा, बाहर जा रहा? नहीं नहीं बैठना है तो मत बैठ के जबरदस्ती। हाँ बोलो। साइन इनवर्स ये जो वैल्यू है ना, इसको कॉट में कन्वर्ट करना है। इसको मैंने क्या पकड़ा? इसको मैंने क्या पकड़ा? बोलो ना, थीटा। क्या पकड़ा? तो अगर मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया? इसके नीचे वन रहता ना बच्चों, साइन थीटा क्या रहता? भाई साहब बैठे ना, बच्चों को बोर्ड दिखता ना। अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर क्या रहता? बोलो ना। ए सी कितना था? ए बी एक साथ है क्या? कितने लोग समझे? ए बी एक समझ में आया क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट? कॉट एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट है ना। एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट ऑपोजिट। तो ये कितने लोगों ने समझ लिया? एला भी का घेतला उसको थीटा कंसीडर किया, और फिर उसको थीटा कंसीडर किया ना अपने। है ना तुम्हारे को? अभी मैं क्या करेगा? ये जो टैन इनवर्स है ना, कलर चेंज, टैन इनवर्स एक्स रूट सिक्स को मैं क्या बोल रहा? फाइव। क्या बोल रहा मैं उसको? फाइव। एक्स रूट एक्स सिक्स क्या आएगा? टैन फाइव। टैन फाइव का ट्रायंगल कैसा बना था? टैन फाइव का ये ना, ये अपोजिट रहेगा और एडजेसेंट रहेगा। भाई तो करो, यूज करो तो क्या आएगा? हाँ बोलो। बोलो रूट में आएगा ना? रूट में कितना आया? अच्छा कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आई? बोला एक्स अपॉन अंडर रूट क्या? साइन थीटा का वैल्यू कितना है? अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक एक्स की वैल्यू तो कट होगा, एक्स इक्वल टू जीरो एक सोल्यूशन हो सकता है। ये लोग सब आईआईटी वाले भाई, अपुन में इंडिया वाले ज्यादा सोचने का नहीं रहता। अजत सर अवेलेबल नहीं है। और कौन फिजिक्स का है? अमन सर के, अमन सर जो एनडीसी को पढ़ा रहे ना, इसके बुक से पढ़ाने बोल रहा, कितने बार बोलने का? कौन बोल रहा? क्या क्यों है? टेंथ का फिजिक्स हो, ऐसी क्या प्रॉब्लम है उसको? फिजिक्स पढ़ाना चाहिए। और ऊपर कौन है? हाँ
कौन डिप्टी सर सर को कहाँ से लाने आएगा सोच रहे हो सुबह 6 बजे पढ़ेंगे ये ना कितने लोग आंसर आए वेरी गुड थैंक यू बहुत भारी सर नेक्स्ट बोलो क्या चलो एक सम बोलू क्या और एक सम है इधर बोर्ड पे सम किया सर ने भी एक सम किया सर शाहरुख सर ने किया उधर लिख दो सम फिनिश हो जा ये सबने कॉपी किया क्या देखो थोड़ा सा एलजिब्रा थोड़ा सा क्वाड्रेटिक बढ़ जाता एलजिब्रा बढ़ जाता क्वाड्रेटिक बढ़ जाता क्या बढ़ जाता बोलो ना एलजिब्रा बढ़ जाता क्वाड्रेटिक बढ़ जाता लेकिन इसको थीटा पकड़ के रांटी मेथड है इसको थीटा पकड़ के एक्स पे कन्वर्ट करने का इसको 5 पकड़ के एक्स पे कन्वर्ट करने फिर कन्वर्ट करने के बाद सिंप्लीफाई करने का आंसर कितने लोगों को समझ में आया क्या बोला कितने लोगों ने कॉपी किया उसको कैलाश फोटो कार्ड ला तर येणार नाही लेक्चर जॉईन कर स्क्रीनशॉट कार्ड तुझ्याकडे राहणार ते काय फोटो काढतो तू जर हात ऊपर को कितने लोगों ने कॉपी किया उसको हात ऊपर करो किया सॉल्व किया तुमने खुद होकर सॉल्व किया तुमको वैल्यूज वैल्यूज निकाले हैं उसका एलजिब्रा प्रैक्टिस हुआ देखो ये सब में एलजिब्रा प्रैक्टिस हुआ क्वाड्रेटिक प्रैक्टिस हुआ ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस हुआ फिर आईटीएफ प्रैक्टिस हुआ तो आंसर आएगा एक उड़ डाल दीगा हाँ क्या बन दिया चार पांच लड़की लोग रहते साथ में आया आया उसको फोन करा मेरे को भाई को ए अम्मी को लो खाने को मांगता वैल्यू ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग क्यों दे रहा बच्चों ऐसा वाला सम कौन बोलेगा ऐसा वाला सम क्यों दे रहा ट्रेंड क्या बोला बोलो तुम देखो अगर पी वाई क्यू सॉल्व किया ना तो ऐसे सम जा रहे आ रहे क्या नहीं आ रहे बोलो कौन बताएगा बहुत भारी सम बहुत भारी सम सर एक सम था आज कंट्रोवर्सी जो ग्रुप पे डाला ना मैं
उसका सॉल्यूशन इंफिनिटी भी आया था और एक पाई बाय 2 भी आता है। ओमकार पिछल टाइम पास कर रहा, गाना लगा के टाइम पास कर रहा। और यार पीछे बैठो, खिड़की के बारिश बैठ पास हो गया, अब खिड़की के बाहर जा, ऐसे भूत लटक जैसे लटक आ गया ना। एक तो मैथ सारा खराब है, ऊपर से मैं सिखा रहा, टॉपिक का नाम ITF है, सम तुम्हारा सिंगेज में से डायरेक्ट अपर लिमिट मान लो। अच्छा सर, अगर वो जीरो टू इन्फिनिटी के बाद अगर वन टू इन्फिनिटी रहेगा तो आंसर अच्छे सर वो भी कर बाजू में। इधर ये सब कितने लोगों ने कॉपी किया है जो शाहरुख सर ने किया था? ये तो ये पिंकी सर ने करा था, इसमें सट्टा मार सकते क्या? सेम सट्टा इसमें मार सकते अपर लिमिट मारे, लोअर लिमिट मार सकते सर? वो सब में लोगो अमन सर बोले सट्टा मारो अपर लिमिट मारे दो लिमिट। ये नीचे वाला बचता है, ऊपर में एक ऐड होकर बचता है, तो टाइम इनवर्स 51 बचेगा और टाइम इनवर्स 1 बचेगा। कैसे करा सकते हैं? यहाँ से आर प्लस 1 बचता है, माइनस बी प्लस 1 बचेगा, टाइम इनवर्स जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो बचता है, सपोर्टेड के बाद है तो 1 बचेगा, राइट ना? जीरो नो अरे मेरे भाई, उसके लिए जीरो टू इन्फिनिटी नहीं, वन टू इन्फिनिटी के लिए पाई बाय 4। मैंने सुबह से उस पर रिसर्च किया तो भगवान ने मेरे को क्या क्या दिया गया? अभी अमन सर ने सट्टा बोला, इसका डायरेक्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो अगर जीरो टू इन्फिनिटी है तो पाई बाय 2 आएगा। और उधर सब देख क्या बोला उधर, वन टू इन्फिनिटी है, वन टू इन्फिनिटी है तो अलग आंसर आएगा, पाई बाय 4 आएगा। और ये जेडब्ल्यू का देखो सर सट्टा बता रहा, इससे भारी एक सम मैं अभी बताता तुम्हारे को। प्रॉब्लम क्या लगे बता रहे कुछ दे, बच्चों का लेवल नहीं है, अभी मार्केट में आया करके बताया समझ के लिए। सट्टा जीरो टू इन्फिनिटी रहेगा तो आंसर क्या आएगा? फाइव बाय 2। वन टू इन्फिनिटी रहेगा तो आंसर क्या आएगा? और ये बता रहे सर, इधर देखो सर क्या बता, बताओ सर सट्टा है, पानी पिला रहे क्या सट्टा बताया देखो बताओ। एक कौन बात कर रहा, एक तो साले तुम पीछे में आके बैठते ना, तुम्हारा ध्यान नहीं है, आगे आके बैठो, चेयर भी है आगे आके बैठो, चुप बैठो। मैंने अगर tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर लिखा और r की वैल्यू अल्फा लिखा तो पहले दूसरा पेन वापरो, ब्लैक वाला पेन वापरो, ग्रीन कलर समझ में आएगा क्या? ब्लैक देखो, मैं नहीं नहीं लिखेगा बीच में, मंगते तो आ गया, आ गया r इक्वल अल्फा टू बीटा है, कितना लिया सर? पहले बताओ आपने क्या बोला, 50 और 1 किया तो आप 51 आने का हमेशा क्यों 1 से स्टार्ट किया करके? वही मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, आर से अल्फा से बीटा है, टाइम इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस आर राइट ना? यस सर। इसका डायरेक्ट बचता है टाइम इनवर्स, अपर लिमिट में एक ऐड करेगा, कितना अपर लिमिट में एक ऐड किया और माइनस लोअर लिमिट में डायरेक्ट राइट ना आ रहा है, ओके यस सर। दिक्कत नहीं सर, वो सब भी ऐसे अपर लिमिट में हां, इसमें लोअर लिमिट कितना 1 है ना? 1 कितना लिखा मैंने, टाइम इनवर्स 1 अपर लिमिट कितना 50 है ना, कितना हुआ टाइम इनवर्स 51 है ना राइट? अब इसको करोगे डायरेक्ट तो टाइम इनवर्स तुम्हारा कितना आता है 25/26 ना, पार्ट इसका कितना होगा उसको उल्टा 26/25 पार्ट बाहर है ना, एक दूसरे को कैंसिल न्यूट्रलाइज करेगा, कितना होगा 26/25 है ना? उधर सब बताओ, उधर बताओ
बरोबर आर की वैल्यू इन्फिनिटी का इन्फिनिटी लिमिट एट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी टाइम इनवर्स आर प्लस वन राइट ना यस सर एक ऐड हो ओके अब माइनस टाइम इनवर्स लोअर लिमिट जीरो ना टाइम इनवर्स जीरो जीरो आ गया राइट और यहाँ पे टाइम इनवर्स इन्फिनिटी प्लस वन इन्फिनिटी आता कितना आता पाई बाय टू राइट इसके लिए देखो टाइम लिमिट कितना इन्फिनिटी कितना r tends to infinity r plus 1 na ha sir minus roll limit 1 tan inverse 1 kitna aata pi by 4 yahan pe infinity lagte hai tan inverse infinity ha na that is pi by 2 na pi by 4 aa gaya na aa na kuch kar nahi wo liye jo sabse important hai wo yes sir ke liye taali baja sakta आपके लिए और एक सब जो एग्जाम में है ये सब करें फर्स्ट टाइम एकदम कोने में करो और एक सट्टा सेम टाइप का मारा मेरा बिटवीन अरे सर उसके अंदर मेरा पेन है कम दो लेकिन मेरा पेन नहीं निकल रहा स्टाइलिश मारा मारी बिटवीन क्या बोला मैं समेशन सीरीज था और क्वाड्रेटिक था बराबर ना आईटीएफ अभी मारामारी बिटवीन क्या बन गया क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है नाइन मारामारी बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं 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 वो आज लिखे उठ के जाने का देख देगा ये जो है ना तुम्हारा जो तरीका ना वो अनिस्ट्रेस भी नहीं चलता हम जगह से उठेंगे नहीं वो आप पैसा के बजाय क्या पैसा कुआ के बजाय उठ के जाओ ना हमें थोड़ी बोल मत देखो बस चाहिए कितने लोगों को मालूम है साइन इनवर्स 3 बाय 5 क्या लिख सकता मैं समझा ना सबको साइन इनवर्स 3 बाय 5 ना उसको थीटा पकड़े देखो यहाँ पे आई 1 टू एन कितना है 1 टू एन 2 आई स्क्वायर यहाँ पे 1 यहाँ पे वन से एन क्या अगर मैं एक एक वैल्यू बार बार तेरे रख के देखूं तो टाइम इनवर्स 1/2 राइट टाइम इनवर्स फिर अगर आएगा ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई था चेक करो बोथ वैल्यूज आर सेटिस्फाइड चेक करो कैसा सेटिस्फाई हो रहा है इसमें पॉजिटिव तो आएगा ना ये फार्मूला टाइम इनवर्स एक्स प्लस और माइनस खास तौर से माइनस वाली इसमें अगर मुझे तो क्लास तो बच्चों से इतना ये फार्मूला चाहिए तो ऊपर x माइनस वन चाहिए और नीचे वन प्लस सिक्स वन चाहिए ना चाहिए या वन नहीं ना प्लस में बेटा मैंने वन प्लस ऐड किया मैं ऐड किया उतना समझ में आया ना ओके और समेशन वन टू एन टैन इनवर्स अब वन प्लस टू आएगा होल स्क्वायर वन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस अब ऊपर नहीं सोच रहे नीचे ही सोच रहे हैं भाई ये फॉर्मूला लाने ये फॉर्मूला लाने के लिए सोच रहे हैं ये सोचने के लिए क्या सोच रहे हैं वन प्लस एक्स वाई सोच रहे हैं वन नहीं तो मुझे लाना है राइट ना अब यहाँ पे टू आई माइनस वन टू आई प्लस वन हाँ ना राइट ऑलरेडी अब यहाँ पे 2i में प्लस 2i माइनस 2i एडिटिव इनवर्स फंक्शन लगा लो ना एडिटिव इनवर्स फंक्शन प्लस 2 और माइनस 2 जीरो होता है ना यहाँ पे मैंने 2i ऐड किया 2i उसी तरह इसको डिस्ट्रीब्यूट किया दो जगह 1 प्लस
समझ आया? हाँ बच्चों से बात करो, सुन ऐसा मौका मिलता है। इसको एक्स पढ़ेंगे करेंगे पे दो तीन पे लिख लेंगे, बाकी काम हो जाएगा। पहला पेयर रहेगा tan inverse, यहाँ पे कितना है 2+1 भी ना, tan inverse करेंगे माइनस, यहाँ पे कितना आया ना, फिर दूसरा पेयर लिख लिया tan inverse था भाई ना, मुझे वहीं से दिख गया कि ये ए दो ज्यादा है इससे, कितने हर टाइम पे क्या होंगे दो ज्यादा है, मतलब एक कैंसिल होता रहेगा, लेकिन आपको पढ़ के दिखा रहेगा राइट ना, ये दूसरा पेयर ओके, तीसरा पेयर भी लिख लो, एक कैसे ले वाला प्लस डॉट 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 टाइम वर्स 2n+1 टाइम वर्स, देखो इसका फर्स्ट इसका सेकंड कैंसिल राइट ना, इसका फर्स्ट सेकंड बस ये क्या हुआ, इसका फर्स्ट इसका सेकंड कैंसिल, इसका सेकंड बचा राइट ना, अब इसका फर्स्ट कभी भी सेकेंड और सेकेंड लास्ट बचता सर, कई सर कभी भी सेकेंड और सेकेंड लास्ट बचता, बोलो अभी से बोलो सट्टा नहीं क्या सर, उसमें सट्टा यहाँ तक करने के बाद में, यहाँ तक करने के बाद पासून असतं कधी झिरो पासून असतं नंबर असतो, यहाँ से तुम लीड कर सकते, ये वाला एक्स्ट्रा है, ये वाला वाई का है, यहाँ पे लास्ट वाला करके बचेगा, यहाँ पे फर्स्ट वाला करके बचेगा राइट ना, यहाँ से तुम डायरेक्ट लीड कर सकते यहाँ राइट ना, है ना ओके, लेकिन इसमें कैलकुलेशन तुम्हें थोड़ा करना होगा गाइस, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक्स वाई लाइट नहीं मिलता ढूंढना है, क्या करना है एक्स वाई ढूंढना पड़ा ओके राइट, कोई दिक्कत देखिए सर आंसर फाइनल आंसर फाइनल आंसर टाइम वर्क्स 2n+1 -1 क्या बड़ा था 1+ इधर एक इंजीनियरिंग का बच्चा बैठा है उसको सर पढ़ा रहे हैं इंजीनियरिंग आदि का टाइम वर्क्स सर पढ़ा रहे हैं n+1 क्या पढ़ा रहे हैं
20 क्वेश्चन हुए मुझे, लेकिन यहाँ पे नीचे ऊपर गलत लिखे, इंटेंस सुन के दिए क्या इंटेंस क्या सबको सब जाए फाइव बाई फोर पढ़ा कैसे हो गया सबका बच्चे लगे बाईपास करने यहाँ से एक्स वाला है क्या ये ठीक है वाई वाला एक्स वाला पे लास्ट वाला है क्या लास्ट वाला ये यहाँ इंफिनिटी रखेंगे ना तो यार टू इंटू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी आया टेन इनवर्स यहाँ है ना और जो सेकंड वाला उसमें क्या बचेगा फर्स्ट वाला ना टू इंटू वन माइनस वन वन ना टाइम वर्स वन उसको बीच में से बाईपास कर दो ओके है ना कृतिका बोल रहा है सबको समझ में आया सब लोग को समझ आ रहा क्या नहीं सर आ जाओ बच्चों के उर्वी से उसको असद सर के दोस्त है उनको अंदर बिठा और असद सर उनको इंट्रोड्यूस करें हमारा हमारा एजुकेशन MIT कोथरूड से हुआ है मैं MTech भी उधर ही से किया हूँ BTech भी उधर ही से किया हूँ तो ये हम ये मेरा एक साल जूनियर था जब हम लोग BTech कर रहे थे तो मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट और इसका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट दोनों कूड़ा भर था इसने इसरो का एक प्रोजेक्ट उठाया था उसके बारे में वो डिटेल में बताएगा ब्लैक होल का डेटा उसने प्रोसेस किया था इसरो का ऑन GPU ठीक है ना वो कब किया था 2015 आई थिंक 2015 या 2014 में किया था उसके बाद उसने कई सारे आईसर के भी प्रोजेक्ट्स उठाया कई सारे ये भी किया मैथमेटिक्स में रिसर्चर है स्ट्रिक्टली इंडियन कल्चर को फॉलो करता है टीचर्स की बहुत रेस्पेक्ट करता है और जबरदस्त बंदा है इसके जैसा मैंने आज तक किसी को देखा मेरा एक साल जूनियर है लेकिन मैं उसको अपने से बड़ा मानता हूँ ठीक है ना इंट्रोड्यूस करेगा बात बड़े छोटे के लिए बात दिमाग के हाँ उससे बात कर तुम समझ में आएगा कि मार्केट का दिमाग कितना है इससे दिमाग होना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है जिस पर एक्सपर्ट होगा ना तो वही बंदा भी आगे बढ़ेगा सट्टे रट्टे वाला नहीं पड़ेगा सट्टे वाला आगे बढ़ेगा आप सोचो बच्चों बीटेक सब कोई करता है बीटेक करने में सब टाइम पास करते लेकिन इस बच्चे ने क्या किया दिमाग लगा के इसरो का प्रोजेक्ट मांगा और वहां का ब्लैक होल का डेटा प्रोसेस किया ऑन GPU तो अपन ट्राई करें ना तो बहुत सब सारी चीजें आसान है अपने को लगता है कि इसरो बहुत मतलब बहुत डिफिकल्ट होगा अप्रोच करना लेकिन इसने किया तो अपन भी कर सकते तो ट्राई करते रहने का बच्चों लाइफ के अंदर ना कभी भी स्ट्रगल करना सीख लिया तो हर जगह कामयाब हो क्या अभी ये बात करें थैंक्स मुझे ये मार्कर दे रहा मराठी हिंदी इंग्लिश काय जमतं सगळ्यांना मराठी ठीक है हिंदी इंग्लिश मराठी ऑल इन वन करके बोलूंगा ठीक है चलेगा क्योंकि ठीक है ऐसे बात करते हैं ठीक है मार्कर कुठे तुम्ही जनरली बघितलं असेल ना तुम्ही देखा होगा की कोई टीचर आते है सिखाते है ठीक है कैसा लगता है बोरिंग लगता है कभी 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 स्पॉन्सर जाता है ठीक है तो मैं क्लास नाइन्थ तक मैं आराम से मतलब धड़ाधुम फेल होता रहता था मैथ्स में ठीक है यू डोंट बिलीव लाइक जस्ट बिकॉज माय मदर वाज अ टीचर इन माय ओन स्कूल ओके वेयर आई यूज्ड टू लर्न दे यूज्ड टू प्रमोट मी टू द नेक्स्ट क्लास ओके व्हाट अ ह्यूमिलिएशन कि भाई टीचर का बेटा है और ये हर साल नापास हो जाता है तो इसको प्रमोट कर दो चलो कोई बात नहीं सो दिस वाज माय पैटर्न टिल 9th क्लास ओके सो देयर वर
पर्टिकुलर रीजंस की मैं भैया और डरने लग गया। ठीक है, तो एक दिन हुआ क्या, ठीक है, चमत्कार सा होते मैं बोला यार, सो दैट इवेंट हैज चेंज माय एंटायर लाइफ। ओके, सो हमारे जो मैथ्स टीचर थे, तो अभी भी है यहाँ पे वडगांव शेरी में रहते हैं, उनका नाम है मिसेस एनी जॉन करके। सो शी वाज 76 इयर्स ओल्ड व्हेन आई वाज डूइंग माय क्लास 10। ओके, दैट वाज बैक इन 2012। ओके, सो शी वाज 76 इयर्स ओल्ड और उनका रिकॉर्ड है, शी हैज अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आई वुड से, शी हैज नेवर मिस्ड वन क्लास। ठीक है, वी यूज्ड टू प्रे लाइक भैया भगवान आज तो उनको यार कुछ तो बीमार करवा दो। ठीक है, कि कुछ तो पीटी का क्लास चल जाए, कुछ तो अलग चल जाए, लेकिन हर रोज क्या सुबह सुबह मैथ्स लेके बैठना है, वो तो डर लगता था, आया नहीं। ठीक है, तो भगवान ने बोला यार तुम्हारी लेने में जो मजा है। हुआ क्या, so we used to have this big geometry box in our school. Okay, I don't know if you have seen. Yes, you might have seen it, right? Yes. It has a big rounder, big divider, everything is extremely big. Yes. Out ek baar hamara geometry ka class chal raha tha aur unhone wo lana bhul gaya. Suddenly we realized ki bhaiya aapko party chalu karni hai. Theek hai, kyunki unke paas sikhane ke liye wo aujar the nahi, तो आप कैसे सिखाएंगे। तो चलो भाई, अभी छोटा सा तो कोई हुई ना, एक ब्रेक बन गया। सो वी स्टार्टेड एंजॉय लाइफ की बोलते आप भैया, अरे कैसा है भाई, बहुत दिनों बाद ऐसा ऐसा है, मजा आ गया घर में, वी आर वेरी हैप्पी। उन्होंने दो मिनट तक सोचा ये करे क्या, तो उन्होंने क्या किया बताए, मैं आपको दिखाता हूँ। और उस दिन मेरी लाइफ चेंज हो गई। उनके पास ये रुमाल था, अरे भाई नाक हो जाता है क्या इससे, डस्टर डस्टर ऑलरेडी कोरोना बढ़ रहा है। हाँ हाँ, माइक लगाओ। ठीक है चलो, ठीक है, एक थोड़ा सा मेरे गले को तकलीफ दे देते, चलो माइक की ऐसे की तैसे। ठीक है, फिर भी अगर आवाज नहीं आए पीछे तब तो बता दो, आ रही है ना। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ये ऐसा उनका रुमाल यहाँ से वो साड़ी में ऐसे पहना करती थी, उन्होंने निकाला और ये करके सर्कल बना दिया ऐसा बढ़िया सा। ठीक है, बना कि अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, मैंने बोला यार ये तो बिना इंस्ट्रूमेंट्स की चालू हो गई। तो she had won this beautiful technique. तो उन्होंने बोला आई एम टेकिंग आर्बिट्ररी यूनिट्स, सो शी कुक लाइक दिस, सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर वन यूनिट, टू यूनिट, थ्री यूनिट, फोर यूनिट, और हमको बोले कि भैया तुम सेंटीमीटर में ले लो। क्लास थमी नहीं, क्लास चालू, अनइंटरप्टेड। उस दिन मेरे को ये सीखने को मिला, हाउ शुड वन बी रिसोर्सफुल। ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत नहीं है, लेकिन मैथ्स उनके रगो में दौड़ता था। तो एक बात मैं आपको ये बता देता हूँ, जो मेरे साथ ये किस्सा हुआ उससे एक चीज सीखने को मिली, कि भाई कौन सा भी टीचर हो, कोई भी हो, इफ यू ऑब्जर्व हिम और हर वेरी माइन्यूटली, यू विल अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट प्रीटी वेल। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सो it was most of the times during our breaks we used to observe her, and I've never seen any moment that she has to ya kisi dusre teacher ke sath chalo gappe lada liye hain, thoda pitching kar li iski, ha ye aisi hai, theek hai, aisa kabhi kiya nahi. To maine unko kya karte dekha pata hai, kabhi sudoku solve karegi, kabhi rubik's cube solve karegi, kabhi kuch alag maths ke problem solve karegi. ऐसा उनसे हमने सीख लिया, वो इतना सीखा, क्लास 10 तो चलो अच्छे से मैथ्स पास हो ही गया मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग माय क्लास 10 हॉलीडेज, लाइक आफ्टर आई मीन व्हेन आई गॉट द समर हॉलीडेज, आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं भाई उनके पास जाऊंगा। आई वेंट टू हर ईच एंड एवरी डे, मैं उनके पैर दबाता था रात को और उनसे और थोड़ा मैथ सिखा दो, और थोड़ा मैथ सिखा दो, ऐसे करता था, मजा आता था। ठीक है, तो मैं उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, बहुत ही ज्यादा क्लोजली।
तो ऐसा करते करते मैंने क्या किया, मेरे मामा जी उन्होंने गलती कर बैठे, बोले जोश जोश में कि अब मैं यूपीएससी यूपीएससी क्रैक करके रहूंगा और उनकी शादी करवा दी। एमपीएससी रह गए बाजू में, यूपीएससी तो और भी बाजू में। तो वो जोश जोश में उनके साथ हुआ क्या कि उन्होंने फिफ्थ से लेकर टेंथ तक सारी की सारी मैथ्स की किताबें, साइंस की किताबें ला के रख दी और मैं पढ़ा वेला। मैं बोला यार चलो मस्त मौका दौड़ के आया, अब मैं ये सारी किताबें बैठ के फिर से पढ़ूंगा। मेरा ही काम था, कोई मेरे को पूछने वाला नहीं था, एक तो दोस्त मेरे को ज्यादा कुछ थे नहीं और जो थे वो ठीक है। मैंने बोला यार ऐसे दोस्तों की संगत नहीं चाहिए। तो मेरे साथ ये बड़ा कांड हो गया कि मैं फिर से मैंने रिविजिट की सारी बुक्स, स्टैंडर्ड फिफ्थ से लेके स्टैंडर्ड टेंथ तक सारी की सारी फिर से मैं घूम लिया। और उसका परिणाम क्या हो गया कि क्लास 11th और 12th मेरे को एकदम से इजी लगने लगे, एकदम से इतने ज्यादा इजी कि मैंने 11th 12th के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, घर से पढ़ाई की आईआईटी जेडब्ल्यू के लिए। और जेडब्ल्यू पढ़ते पढ़ते आई इन्वेंटेड टू न्यू ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स ऑन माय ओन, ठीक है। तो इतना ज्यादा, तो वो बाजीराव मस्तानी का वो पिक्चर का डायलॉग याद है क्या, वो बाजीराव कहता है कि मां साहब हमने मस्तानी से इश्क किया है, अय्याशी नहीं। तो सेम है कि हमने मैथ से और साइंस से इश्क किया है, अय्याशी नहीं, ठीक है। धोका आणि ओका हे जनरल असे सब जनरल पॅटर्न असतो, तसा अजिबात करू नका, एकदम मनाने त्यांना हे करा, नाही का एकदम छान पाहिजे। पु ल देशपांडे नावाचे खूप मोठे कवी नाही खूप चांगले लेखक, हा कॉमेडियन होते त्यावेळेस। सो ही वॉज लिव्हिंग इन पुणे, फोर इयर्स ऑफ माय लाईफ आय हॅव शेअर्ड टाइम लाईन्स विथ हिम, आय मीन फ्रॉम 1996 to 2001 आय गेस 2001 मध्ये ते गेले। तर ते लहान असताना त्यांच्या बरोबर असाच किस्सा झाला होता, तिथे म्हणायचे त्यांचे एक मास्तर होते गणितातले देशपांडे सर, नाही देशपांडे नाही काय काहीतरी वेगळंच नाव होतं त्यांचं। तर ते विद्यार्थ्यांना विद्यार्थी त्यांचं नाव काय म्हणायचं माहिती का, विद्यार्थ्यांमध्ये त्यांचं नाव त्यांनी ठेवलं होतं, ते म्हणे हरणटोळ। हरणटोळ म्हणजे माहिती काय, एक असा हिरवा साप असतो माहिती का, तो साप डोक्याला चावायचा, लोक दिसले ना तर तो डोक्याला चावतो आणि लोकांना ठार करतो। तुला जायचं झाली ना फ्री क्लास जिसको जाना है जाऊया, ठीक आहे। नो मी जास्त वेळ तसंही घेणार नाही, ऑलरेडी रात्रीची वेळ झाली। हिंदी बताते नाही, मी बोला ना थोडा टाइम हिंदी थोडा टाइम मराठी, ठीक आहे। तो सीख लो, वेन आय वॉज इन तमिळनाडू I made it a point ki I'll learn Tamil. So I started learning their songs first. Okay. So Tamil songs I know around 32 Tamil songs by with meaning. So much so that I've learned specific keywords in Tamil. Ki bhaiya kabhi maut beech mein aa jaye to bhaiya paani maangne ke liye amma tanniru ki bhaiya mere ko paani de do. Koi achi ladki dikh jaye to yani ke nindi ishtamaan. मराठी हिंदी इंग्लिश तमिळ सगळ्या भाषा बोलता यायला पाहिजे, ठीक आहे। मल्याळम मध्ये बर का, तमिळ मध्ये ना उन्ने कादरी क्रे पायथागोरस का थ्योरम किसको बताए, सबको आता है, सबको आता है। ये ऐसा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ओके। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये पायथागोरस ने बोल के मर गया, ठीक है। तो मैं एक बार ऐसे कॉन्टेम्पलेट कर रहा था मेरे रूम की बालकनी में, मैं बोला यार मौसम मस्त था ना, तो मैंने बोला क्लास 11 12 दैट वाज माय बेस्ट टाइम आई स्पेंट विद माय ओन सेल्फ,
तुकाराम महाराज म्हणतात की आपुलाची वाद आपण असे, ठीक आहे, ते म्हणतात वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, म्हणतात मी वृक्षांमध्ये मी जंगलामध्ये जाऊन बसेल, पक्षी ही सुस्वरे आळवीती, की पक्षी किती छान आवाज करतात आणि येणे रुचे एकांताचा वास, म्हणून मला एकांत म्हणून प्रिय की किती छान का आपुलाची वाद आपण असे, म्हणून नेहमी समर्थ रामदास पण म्हणायचे सदा सेवी अरुण्य अरण्य तारुण्य काय, हे तरुण काळी नेहमी अरण्याचं सेवन करा, नेहमी एकांत वासात जा आणि ट्राय टू कॉन्टेम्पलेट, ट्राय टू कॉन्टेम्पलेट, जस्ट लाईक लेट्स से इफ यू ईट समथिंग अँड यू डोंट युअर बॉडी डझंट डायजेस्ट इट, व्हॉट विल हॅपन, इट विल आयदर कम आउट धिस वे ऑर द अदर वे, राईट, सो मोस्ट प्रोबेबली इफ द फूड इज अनडायजेस्टेड यू विल सी दॅट ओके तुमको इनो खाने की जरूरत पडेगी या कुछ और हाजमोला विजमोला. द सेम वे हॅपन्स विथ आर थॉट्स, यू जस्ट ट्राय मगिंग अप वेरियस डिफरंट फॅक्ट्स अँड देन कीप देम अनप्रोसेस्ड, रॅदर ट्राय कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन इट, ट्राय टू डायजेस्ट, ट्राय टू असिम्युलेट दोज थॉट्स इन युअर ओन वे, ओके, सो दॅट इट विल बी व्हेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द फ्युचर. सो लेट्स से आज कोई पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ा दिया, so I started contemplating on it, so much for that that I came up with something like this. Imagine that these are three axes x y z, you can imagine these, right, okay, and if I take any three points arbitrarily on these and if I join them, a three dimensional figure appears which is nothing but a tetrahedron. How many faces does it have? Four. Okay, so the base or the base is the highest or the largest area among all, so I think let's call this as the base, although the figure is resting on this xy plane, but base is technically a definition which has the largest areas of all faces, okay, so this is the base and these are three different triangles if you see which are made by the coordinate axis, okay, let's call this area of triangle which is made by xy axis, this has area of triangle yz and this has area of triangle xz and let's call this big area as axyz, okay, so I tried coordinating this with Pythagoras's theorem and what I concluded is ye mera aise man ka vehm tha ki ye aisa ho sakta hai, but later on I proved it, which is axy square plus axz square plus ayz square is equal to axyz square. Now understand Pythagoras' theorem something like this, a square plus b square equal to c square. So what is the dimension of a? It's in length. Okay, it is, you measure this in centimeter, that's a one dimensional figure. Here, what is the dimension of A? L2, yes, which is nothing but an area. So this is a generalization of Pythagoras' theorem. Okay, the square remains the same, but the base has changed to area now. Okay, and this can be easily proved. Try proving this with your own methods and see whether it has, if you can prove this on your own or not. Very easy proof, very easy proof. Let me give you a hint. Take these coordinate axes, some x, y, z, numerically first, and then try to find these lengths, and then compute, because these three faces are nothing but rectangular triangles. So only trouble computing the area is this top. Now how will you find that? It's using Herren's formula. Okay, because you have all three sides with you, just try put it, plug in those values, and you have the answer. Happy? Okay. Now one last thing I'll say, and then I'll just. Which is, so when I was your age, I invented something called algebra of intervals, because we had JEE papers. I was thinking if there exist any easy computational methods, because we were not allowed logarithms inside the exam hall. Okay, I was trying to find the easiest path, so that although by computing very minimal computations, I'll still have the range, desired range in which the answer lies. Okay, let's say if I wanted to do this, 2.5 square into 3 upon 4.8,
So how I did was this. So I called this as number between 2 and 3 into, this is 3 and 3, number between 3 and 3 is 3 only, upon number between 4 and 5. Now, okay, this is simple. Let's do it. 4, 9 into 3, 3. Now, what is this? 12 and 27 divided by I of 4, 5. Now, what to do this way? So, it is like this. 12, 27 into I of, now this is value inverse, so this will become 1 upon 5 and 1 upon 4. Okay, see here. So 5 was here, it came on top, although it was inverse. Okay, take a note of this. So this is nothing but, so 5, 12 by 5, and this is 27 upon 4. So 5, 2 is 10, 2 is 11. 5.4 something. So answer will be 2.4 to 6.2. We can confirm easily. This was my brainchild. Although this has been already proved, we call it algebra of intervals. I proved this independently. The notations which were used in classical theory is something like this. So they would rather than writing it this way, they write it 4, 9. That's the only difference. Notation is different, but the idea is same. Okay, this is something which I came up with. Okay, so much so that I just tell, currently I'm working as an engineer in some company which manufactures processors. Okay, I mean, you have seen AMD processors, right? AMD, Intel. So the company which I work for is AMD. So just by using logarithms and just by understanding how computer arithmetic works, I have actually filed a patent using simple mathematical techniques, which has reduced the overall compute time of a processor and has given the same result within very less time and within very less silicon area. That's all. Very innovative. So what you have is, they say there's a psychological quote which says that when the only tool you have is a hammer, every problem resembles to a nail. That means agar tumhare paas hathoda ye ek matra aujar hai to tumko koi bhi kaam karna hai to tum hathoda ka hi uska hi istemal karoge. Agar tumko ek todna bhi hai to sala karo hathoda uspe maawa, samjha? So the only tool you should have is your creativity, plus embedded it with other subjects, let's say mathematics, English. I tried learning English in a mathematical way. So let's say, understand, English is very easy, provided you understand something called as etymology. Etymology is study of words or the roots of words. Okay, let's say my name is Urvish. So what does this weird sounding name mean? I tried asking my parents. They said that Urvi means Prithvi in Sanskrit and Isha means the Lord. I was born on Varaha Jayanti. Varaha Jayanti happens to be, the one avatar of Vishnu who has actually married Mother Earth. So that is why they named me Urvish. Okay, that is the name. Urvi Mane Prithvi or Isha Yani Ishwar. So that's the only thing. So learn etymology. Now, if you learn one single word, let us say Congress. So con and gress. Con means together and gress means to bring people together. That means, so if I have another word, let us say congregation, what do you understand from this? No, congregation. Congregation. It's like collecting something, a group of people. Usually they have come together for some religious process or somewhere. Generally, people who gather on the mass, right? Sunday mass in the church, the group is called as congregation. Similar way, you can break down any word in English, and then that is the way you learn it actually. Okay, I think that's it. Thanks for giving me your time. Have a nice and wonderful exam time and have a nice fruitful career. Bye.
That research is something like when you have, how will you detect something which is not visible? Now, if you see, black holes are not visible at all, right? So how will you understand that there's a black hole in this direction? Because you come up with some theories. There are already theories that are being built, let's say by Stephen Hawking and other folks, like from general relativity and all, right? So those theories claim that if those theories are true, okay, if those theories are true, then it should, the black hole should spin at some very high speed, emitting X-rays in both the directions. Okay, let's say if you see our Earth, right, it has two poles. Let us say a black hole has two poles similar to Earth. It doesn't have, but let's assume that it should emit X-rays in those particular directions. Okay, so by taking that idea and by sending a spacecraft in space, like which is crossing our ionosphere, they have installed some X-ray detectors which actually detect those X-rays which are coming all the way from the black hole, and that way we get to exactly position that particular black hole. So during my research, I could exactly locate the Cygnus X1 black hole, which has confirmed the Big Bang theory and other general relativity as a consequence. Okay, so that data was obtained by it was a satellite called AstroSat. It is still orbiting us. Okay, AstroSat. It was launched in the year 2012, I guess. Okay, it has different payloads. So it's basically an observatory in space. Okay, although it is, no person goes there, but the data, every time they encircle India, right, whenever they cross India, that data gets downloaded here at the Vikram Sarabhai Space Center. And then that data, you just process it using some very powerful computers and you analyze that data and then get some insight out of it. Okay, that's it. Sir, nice. So this question, he has asked a question like, okay, you have worked majorly with mathematics and how did you translate? I mean, how did you go about working in physics and other areas, right? That's the question, right? See, best way, I mean, I told you, I didn't have much friends back then. Thanks for that. Okay. Because friends, they come and they make your life miserable. Okay. Also, they have good support system, but in a long term, you have to work it out. You should be comfortable with yourself first. Okay, so try spending this time alone as much as possible. I don't say cut off from friends, but try to make it minimum. Okay, so what I did was, if you see, we have a pendulum experiment. So it's like t equal to 2 pi under root l by g. So this is the way you can easily perform this experiment at your home. Make a very spherical ball, which is very heavy or something like that. I made once similar ball using just MCL, pata hai na? Uska maine ball banaya. And then I tried some hoop to it. And then I, because I could measure length, I could measure the period. I wanted to calculate G. That was my Eureka moment. Okay. So that way I translated to physics. Nothing else. So you have to do experiments. What is the main difference between a normal person and a physicist is that koi simple Newton ke sar pe apple gira, Newton is like, tell me why. So you have to see, you have to observe every physical phenomena and then you have to decide. Let's say, now very basic experiment is, if you are driving any bike, especially a moped, and if you try to keep it at constant acceleration, you notice that the speed is same. That means change of velocity is nothing but acceleration. When you keep the acceleration same, velocity is constant. That means acceleration is zero. Okay, acceleration is zero. Now, try accelerating. What do you feel? Now, that change in acceleration is called as jerk, which you observe.
Now these definitions, now there are definitions which are given. change of rate of jerk. ऐसा उसके सात आठ डेफिनेशन है. इट इज जस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ जर्क, ऐसा करते जाते. सिमिलरली यू कैन डू मेनी एक्सपेरिमेंट्स एट योर होम. ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट. अभी सिंपल सा मैं एक एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ. दो बल्ब अगर लगाए सीरीज में, उनको एक बैटरी चिपकाया, ठीक है. What you'll notice that okay, they are glowing, but they're not that glowing as much as possible. So if you connect them in parallel, you will see कि हाँ भैया ये चल रहा है. अगर ये खराब भी हो गया, आपको आपको दिखेगा कि भैया ये चल रहा है. अगर ये सीरीज में होता ये, तो ये रुक जाता. अगर ये भी खराब हो जाता, this is a simple experiment which you can try at home. You can try at home. Similarly, आपके पास coins तो हो गए. प्रोबेबिलिटी का टेक्सटबुक में देखा है, एचएच एच टेल वगैरह. यार उसको करो, जरा घर पे करो. टेक वन कॉइन एंड ऑब्जर्व वन थिंग. ऑब्जर्व, क्रिकेट का मैच देखा है किसी ने? देखा है? नहीं देखा. मैं बता दूं, अंपायर को टॉस उड़ाता है देखा है? कैसा उड़ाता है? कैसे ऐसे उड़ाता है? नहीं, हेड को ऊपर रखो और उसको टॉस करो. You'll see that most of the time tail falls. अगर धोनी ने देख लिया कि tail बता दो, batting ले ली. The same way, शकुनी मामा ने वैसे किया था महाभारत में. Yes, actually tried biasing those dice. Okay. हमारे सर सट्टा बता दे. हाँ, वही तो. वैसे तुम भी करो, वो coin ले लो, उसमें थोड़ा मार tail पे. थोड़ा. Or then try to see what is the outcome. You'll see different results. Okay? ऐसा करते रहो यार, और कहीं बताऊँ? ये डार्ट से जो पाई कैलकुलेट किया था, वो तो भैया ये देखो, पाई तो कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो. एक मान लो मैंने ये स्क्वायर ले लिया और मैं सर्कल ले लिया उसको. ओके, तो मैं हाथ बंद करके है ना, चलो देखो चार, ठीक है, ऐसे कर लिया. तो यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डॉट्स इन अस इन दिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल डॉट्स, विल सी इट इज इक्वल टू पाई बाय 4. सच में ये ऐसा किया. मान लो कोई स्क्वायर बना लिया, उसके अंदर सर्कल बना लिया और उसको अंधाधुंध ऐसे मारा, ठीक है, डॉट्स मारे, कुछ भी मारा, कुछ भी चलता है, ठीक है. मैं ये एक्सपेरिमेंट भी मैंने किया है घर पे. आंख बंद किए मारा, मेरी मम्मी आए बेटा क्या कर रहा तो कर रहा तो बोली ये सठिया गया. तो देखो अभी प्रोबेबिलिटी दैट अ डार्ट विल फॉल हियर इज नथिंग विच इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया. सो प्रोबेबिलिटी दैट इट फॉल्स इन सर्कल इज इक्वल इज प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर. Probability that it falls in square is proportional to अपनी ये भैया ये r है, ये r है, ठीक है. square का side क्या हो गया? 2r. तो 2r का square. So मैंने इसको divide कर दिया. Now probability of ये माने क्या? In number of dots in circle divided by number of dots in square. तो कैलकुलेट करना क्या है, ये डॉट्स मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, पाई की वैल्यू हाथ में, ठीक है. ऐसे कैलकुलेट करो. वैसे तो रामानुजन सर के पाई का फॉर्मूला कर लो. अरे रामानुजन सर के बारे में, रामानुजन एक बात मैं बताना चाहता हूँ. सर ने मेरे को बोला कि रामानुजन के बारे में बोलो जरा. सो व्हेन आई वाज इन चेन्नई आई एक्चुअली विजिटेड हिज हाउस. आई विजिटेड, वो तो हमारे लिए तीर्थ स्थान है, ठीक है. सो इफ यू सी व्हाट रामानुजन वाज, पुअर इलिटरेट गाय,
okay, didn't have any formal education. But what separates him from others is first things first, let me tell you. He did something called as sadhana. Sadhana karo. Sadhana.